क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि ड्रॉ द रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। अब डिफरेंट डिफरेंट बच्चों यहाँ पर पोजीशन दी रहेगी आपको, ठीक है। टोटल इसमें आपके 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन दी होगी। पहले हम पार्ट ए इसमें ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपने क्लास में पढ़ रखा है बच्चों, ये कोई नई चीज़ आपके लिए है नहीं। जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस है, लेंस कैसा है आपका बताइए, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों, ये प्रिंसिपल एक्सेस है और यहाँ पर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। देखिए अब when the object is placed, when an object is placed between the optical center and focus of the lens, ठीक है। तो आपको याद होगा students, एक यहाँ पे देखिए हमने focus यहाँ पे दिखाया था आपको convex lens में, और एक focus हमने यहाँ पे दिखाया था आपको, याद है। अब object कहाँ कहाँ, object रखा कहाँ है बताइए, between the optical center, तो ये आपका optical center है और ये रहा आपका focus, इसके बीच में object रखा हुआ है। तो यहाँ पे चलिए हम object बच्चों place कर देते हैं। Let us say this is object AB, बहुत easy है। जिन बच्चों को question आता है आप video skip करके आगे भी बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब यहाँ पे हम इमेज पॉइंट ए की स्टूडेंट्स कैसे बनाएंगे, याद करिए क्या कि एक रे हम लेके आते थे कहाँ से, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आफ्टर द रिफ्रैक्शन। यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, लेंस है ना, तो रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये लेके आए ऐसे, तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये आपकी कहाँ से पास होगी बताइए, फोकस से, सही है। और दूसरी रे बच्चों आप ला सकते हो कहाँ, ऑप्टिकल सेंटर के निशाने पे, याद है। तो ये देखिए दूसरी रे आपने ऑप्टिकल सेंटर के निशाने पे ऐसे ले गए, तो ऑप्टिकल सेंटर से जो रे पास होती है आफ्टर द रिफ्रैक्शन स्ट्रेट निकल जाती है ऐसे। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे आईज लगाई, ठीक है, और इसको देखा, तो आईज ने इसको क्या किया, बैक ट्रेस, जैसा हमने आपको क्लास में पढ़ाया भी है। तो इसको देखिए ऐसे बैक ट्रेस करिए स्टूडेंट्स, और इसको ऐसे करके बैक ट्रेस करिए, ठीक। तो देखिए ये दोनों यहाँ पर कहीं मीट करते हुए नजर आ रही है, सच में मीट नहीं कर रही, यानी कि स्क्रीन पे इसकी इमेज नहीं मिलेगी, यानी कि वर्चुअल है और इरेक्ट भी होगी। देखिए बिकॉज ए की इमेज यहाँ पर मिली बच्चों ए डैश पे, तो यहाँ पर अगर हम परपेंडिकुलम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बी। देखिए डॉट डॉट से हमने इसलिए दिखाया बिकॉज ये वर्चुअल इमेज है, ठीक है, सच में स्क्रीन पे आपको नहीं मिलेगी, ठीक। तो ये आ गया, अब चलिए लिखते हैं यहाँ पर बच्चों। तो अगर हम इसकी लोकेशन लिखना शुरू करें, मतलब पोजिशन ऑफ द इमेज कहाँ बनी है बताइए, पार्ट ए पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ बनी बताइए, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट या इन फ्रंट ऑफ द लेंस या अकॉर्डिंग टू आवर फिगर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस या बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। चेक कर लो ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे ऐसे लिख दें, क्या दिक्कत है ना। तो हमने यहाँ लिख दिया अपने फिगर को देख के कि भाई इमेज हमारी कहाँ बनी है, इमेज फॉर्मेशन बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, उसके बाद क्या लिखते थे कि इसका नेचर कैसा है ना। तो ध्यान से चेक करिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या कि ये है आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके। और थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे बताइए आप बच्चों, यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो आपकी इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी हो गई है, लार्जर हो गई है, यानी कि मैग्नीफाइड हो गई। तो आप लिख सकते हो इमेज क्या है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ओके। इमेज क्या है हमारी बताइए, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, बस इतनी सी बात लिखनी होगी। और ब्रैकेट में आप मैग्नीफाइड भी, हाईली मैग्नीफाइड है वैसे तो काफ़ी बड़ा हो गया, ठीक है, मैग्नीफाइड भी लिख दोगे तो आप चलेगा, ठीक है। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है ना, कर लीजिए।